सबसे पहले तो मैं अपने कायदे मोहतरम यहाँ परवेज मुशर्रफ साहब को यहाँ तकरीब में वेलकम कहता हूँ। इसके साथ ही आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतने कीमती वक्त से अपना टाइम निकाल के आए। उसके बाद यहाँ कक्षा होने का मकसद सिर्फ यही है कि हमने यूके बेस पे जो स्ट्रक्चर है इसको पहले वाले स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करके एक नया स्ट्रक्चर किया, तो उस सिलसिले में आज हमारी अनाउंसमेंट पहले भी हो चुकी हैं और आज जनरल साहब खुद अनाउंसमेंट करेंगे इस बात की, तो मैं भी जनरल साहब को दूंगा दावत। को भाईजान कैमरे के सामने इधर बीच में बैठे। सबसे पहले मैं अल्ताफ शाहिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन यहाँ और इनकी पूरी टीम जो है, आप लोग इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ, मेरी खुशी भी है और मुझे फ़ख्र भी है आपके ऊपर कि आप लोग इतना सपोर्ट और इतनी इमोशनलिज्म दिखा रहे हैं यहाँ। मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग होंगे और बहुत मुझे खुशी है कि आप इतने ज़्यादा आए हुए हैं और इंशाल्लाह सही और आज मीडिया पे पहली मतलब इतनी इससे आया। बहुत शुक्रिया तारिक, वेरी गुड। ओके चलो, जितने जिसको भी जा रहा है इसीलिए मैं कहता हूँ टीम वर्क, टीम जो जब चलती है टीम वर्क होता है उसमें ठीक ठीक। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि मैं कोई दो महीने बाद यहाँ आ रहा हूँ क्योंकि मैं एक, आपको पता होगा कि मैं एक लेक्चर सर्किट पे होता हूँ नॉर्मली, तो मैं यहाँ से जब गया मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया, उधर से मैं कनाडा गया, कनाडा से फिर मैं यहाँ लंदन आया दो तीन दिन के लिए और फिर नाइजीरिया जाना था मुझे लेगोस, और उधर से फिर मुझे किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन ने इनवाइट किया हुआ था, मैं उधर गया और वहाँ से दुबई गया, वहाँ से अब इधर आया हूँ और चार दिन बाद मेरे ख्याल में मैं कनाडा दोबारा जा रहा हूँ, वैनकूवर में लेक्चर है, उधर से फिर वापस मैं इधर आऊँगा इंशाल्लाह। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये मेरी अपनी मसरूफियात हैं लेकिन उसमें मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी काफ़ी हद तक करता हूँ, सिर्फ इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में भी, वहाँ मुझे बहुत खुशी है कि वहाँ एक चैप्टर यूनाइटेड स्टेट्स चैप्टर खुल गया है और बहुत इफ़ेक्टिवली उन्होंने वहाँ, मैंने पहले कोई 12 जगहों में मैं गया था, इस दफ़ा भी मैं कोई 10-11 जगहों में गया हूँ जहाँ कोऑर्डिनेटर्स ने पाकिस्तानी डायस्पोरा को इनवाइट किया हुआ था और कम से कम लोग कोई 400-500 थे और न्यूयॉर्क में तो कोई 1500 लोग 1500 लोग थे, और मुझे फ़ख्र है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उससे मेरी जजमेंट यही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में ऑल ओवर द प्लेस, तो उसको हमने अब कलेक्टिवाइज कर दिया है उस सपोर्ट को, और अब जब मैं दोबारा जा रहा हूँ वो तो मुझे दोबारा बुला रहे हैं कि आप हर जगह दोबारा आएँ और हम एक और फंड कलेक्शन भी करेंगे और आपकी सपोर्ट में प्रोसेस मीटिंग्स वगैरह भी होंगी, लेकिन अब हम प्लान वहाँ यही कर रहे हैं कि मई जून में मुझे दोबारा उधर जाना है, तो उसमें एक बहुत बड़ी एक गैदरिंग, बहुत बड़ा एक जलसा करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो 15-20 हज़ार लोगों का इंशाल्लाह, वी आर टारगेटिंग दैट, तो दैट इज़ माय कमिटमेंट जो चलती रहेगी। यहाँ आप लोग हैं और इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ऑलरेडी, और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ से मैंने पार्टी लॉन्च की
और उसके बाद मैं बर्मिंगम गया हूँ और मैनचेस्टर गया हूँ, वहाँ बहुत अच्छे जलसे हुए हैं, जहाँ 3-4 हज़ार लोग थे दोनों जगहों पे। और अब प्लानिंग यही है कि इधर इसकी ऑर्गेनाइजेशन को कंसोलिडेट किया जाए यहाँ, और उसके बाद मैं हर जगह जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं ऑल ओवर यूनाइटेड किंगडम, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक ट्रेन जर्नी करके सबके एरियाज में जाऊँ और वहाँ अलग अलग इफ नॉट अ मेजर को मज़रब हज़ारों लोग नहीं तो मैं चाहता हूँ कि तमाम लोगों से आकर आपके एरिया में आपके घरों में उधर आप लोगों से मिलूँ मैं वहाँ, और जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं उनसे मैं आपके एरिया में आकर इंटरेक्ट करूँ। तो ये मेरा प्लान है, वो प्लान अल्ताफ़ शाहिद साहब को इसकी ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे और उसके मुताबिक मैं हर जगह आप लोगों से आकर मिलूँगा इंशाल्लाह ताला और ऑल ओवर यूनाइटेड किंगडम। अब थोड़ी सी बातें पाकिस्तान की करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले या पाकिस्तानी की बात पहले कर देते हैं, कुछ भी ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी है मैंने, आप लोगों को पता ही है जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हालत अच्छी नहीं है, और वह सबसे तश्वीशनाक जो है वो उसकी इकॉनमी है। इकॉनमी अगर नीचे जाएगी तो मुल्क फेल हो जाते हैं, मुल्क डिफॉल्टेड हो जाते हैं, मुल्क बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ पाकिस्तान कुछ जा रहा है, जो जिसका मतलब यह है कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी कि महंगाई बढ़ जाएगी और गरीब लोग बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मुसीबत में आएंगे। इस बात का मुझे बहुत सख्त अफसोस है और इसको ठीक ज़रूर करना है। कैसे ठीक होगा देखें, कोशिश कर रहे हैं ये कि अगर हमारा रोल है कोई आइंदा तो वो हम पूरी तरीके से इंशाल्लाह ताला अदा करेंगे। अब दूसरी चीज़, आपने जो एक और चीज़ के बारे में मैंने बताना था इतनी भरी महफिल में, जो सलमान तासीर साहब का कत्ल हुआ है उसके बारे में मैं ज़रूर अपनी राय देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत एक सीरियस इशू हुआ है। ऐसा इशू जिसमें कुछ मुल्क में कुछ मुझे लग रहा है पोलराइजेशन हो गई है, हो रही है, जिसमें कुछ रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, कुछ मॉडरेट्स हैं, इन दोनों के दरमियान में पोलराइजेशन हो गई है जो नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा एक हिस्टीरिया, एक इतनी खलफिशार मुल्क के अंदर किसी इशू पे हो जाए, वैसे ही बहुत मुसीबतें, ऊपर से ये भी हो जाए तो बहुत ही ये सीरियस मामला है। इसमें मैं आपको अपनी राय देना चाहता हूँ, जो मैंने इंटरव्यू में भी आज टेलीविज़न और ये यहाँ डेविड फ्रॉस्ट को भी उसने भी पूछा था, तो मैंने यही कहा था कि देखें इसको अच्छी तरीके से समझें। तो आई वॉन्ट टू से दैट बिकॉज ताकि आप लोग भी वो ज़रा रैशनल तरीके से उसे समझें। जहाँ तक ब्लैस्फेमी लॉ का ताल्लुक है, वो लॉ बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमान हम सब और दुनिया के मुसलमान तमाम, जनरली दुनिया के मुसलमान, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हम सब, हम बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल हैं रिगार्डिंग एनी डेसिक्रेशन ऑफ द कुरान या ब्लैस्फेमस एक्ट अगेंस्ट आर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इसके बारे में हम बहुत सेंटिमेंटल हैं। देयरफॉर ब्लैस्फेमी लॉ इज़ देयर टू स्टे एंड इट मस्ट स्टे। नाउ हैविंग सेड दैट, प्रॉब्लम क्या है? फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और वायलेशन ऑफ लॉ। कई एग्जांपल्स हैं पहले जो जिसमें इनोसेंट लोग मारे गए हैं, उनके अगेंस्ट ब्लैस्फेमी के लॉ में एक पर्सनल वेंडेटा के ऊपर किसी को टारगेट किया गया है। मुझे एक एग्जांपल मालूम है पर्सनली, एक फैक्ट्री के इंचार्ज थे एक आदमी, और उसको ही वॉज नॉट वेरी पॉपुलर, और उन्होंने एक कैलेंडर पे कलमा लिखा हुआ था प्रॉबेबली, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन वो उस महीना वो ख़त्म हुआ तो वो महीना फाड़ के उन्होंने पता नहीं किधर के गिरा दिया या कुछ ऐसी सी बात हुई है, लेकिन उनके वर्कर्स ने कोई मौलाना साहब को जाकर बता दिया, मौलाना साहब लोगों को ले आए और उनको मार मार के मार दिया।
यानी देखें ये है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इस्लाम में मेरी नज़र में, और मुझे ये पता है, मैंने चेक भी किया है कुछ एक्सपर्ट से, एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट सोल रिस्पांसिबिलिटी है स्टेट की, किसी इंडिविजुअल की नहीं, वरना तो केओस हो जाएगा। अगर हम हर आदमी समझे कि मैं इसको ये ब्लास्फेमस एक्ट किया है मैं मारता हूँ इसे, तो ये तो केओस हो जाएगा। तो ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है, इंडिविजुअल की नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम खुद कहते हैं कुरान शरीफ में है कि जी एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है, तो ये भी वायलेशन ऑफ होली कुरान है। तो लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जिसने भी उसने कत्ल जो किया है बिल्कुल उसने बहुत गलत किया है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ही कैनॉट टेक द लॉ इन हिज ओन हैंड एंड चैलेंज द रिट ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चैलेंज करके एक गवर्नर को मारना इज़ नॉट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट एंड ही डिजर्व्स ऑल द पनिशमेंट। तो ये मैंने बताना था, इसको बैलेंस तरीके से इस्लामी नज़रिया से समझें। कोई ब्लास्फेमी एक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें कोई इस किस्म की टारगेटिंग किसी की हो रही है इनोसेंट की, उसके बारे में हमें ज़रूर इज्तिहाद के मुताबिक, जो इज्तिहाद भी इस्लामी में का है, हम बातें तो हम बहुत करते हैं, हमें मालूम है कि इस्लाम में ये सब कुछ है, इजमा और इज्तिहाद इस्लामिक कॉन्सेप्ट हैं। तो अब इज्तिहाद कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं, कॉन्सेंसस डिवेलप करें और देखें उस लॉ में क्या लकूनाज हैं, अगर ठीक हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में कहना था। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ पोलिटिकल टर्मोइल जो हुई है MQM की और JUIF की हुकूमत में इंस्टेबिलिटी आई थी, लेकिन फिर अब स्टेबल हो गए हैं। हमारा जहाँ तक ताल्लुक है, हमें अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, जितना ज़्यादा हमें टाइम मिलेगा उतना ही अच्छा है मेरी नज़र में, क्योंकि इस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन में मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ चौधरी शहबाज और बाकी हमारे लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान का टूर कर रहे हैं इस वक्त, और मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत लोग हर सूबे से, पंजाब, फ्रंटियर, सिंध, बलूचिस्तान के क्वेटा में हमने ऑफिस खोल गया है। एक साहब हैं जो हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने ऑफिस खोल दिया है। डेरा बुख्ती में ऑफिस खोल दिया है एक ने, APMS। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ, जिसमें मेरे ख्याल में एक दो महीने में हो जाएगा और सबको नज़र आ जाएगा, हमें ऑफिसेज खोलने हैं हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में, और वहाँ अपॉइंटमेंट्स नॉमिनेट करने हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में जाना है, हर डिस्ट्रिक्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में, उधर इंचार्ज APML के नॉमिनेट कर रहे हैं। ये सारा काम हो रहा है, उसके नाम आ रहे हैं, लोग मेरे पास दुबई में बहुत आए हैं, मिले हैं। एक दफ़ा कंसोलिडेट हो जाए लिस्ट, उसमें से फिर सिलेक्ट करके हम नाम वो अपॉइंटमेंट होल्डर्स लगाएंगे, और उसके बाद हम इस पार्टी को फैलाएंगे ग्रास रूट लेवल पे। मेरा नज़रिया ये है कि ये कार्रवाई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये चलती रहनी चाहिए टिल फाइनली मुझे ये पता है कि असली मूवमेंट जो है या मोमेंटम जो है वो जनरेट जब होगा जब मैं पाकिस्तान खुद पहुंचूंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां कि मैं ज़रूर पाकिस्तान जाऊंगा, अगले इलेक्शन से वेल इन एडवांस जाऊंगा पाकिस्तान। तो अभी हम ये ऑर्गेनाइजेशन बना लें, अपनी दफ्तर खोल लें, अपॉइंटमेंट्स नॉमिनेट कर दें, उसके बाद फाइनली जब एक माहौल के मुताबिक आई विल मेक अ डिसीजन ऑफ रीचिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान जब मैं पहुंचूंगा तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको एक मूवमेंट में कन्वर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये पार्टी जो है पूरे पाकिस्तान भर में एक ऐसी नेशनल पार्टी उभरेगी चारों सूबों में, ये एक प्रोविंशियल नहीं होगी, चारों सूबों में इट शुड इमर्ज एज अ नेशनल पार्टी, और इंशाल्लाह हम
और हमारा टारगेट होगा अगले इलेक्शन में जीतना, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं मेरे से बात करते हैं कि जी आप अपनी विजन बताएं, अपने आइडियाज़ बताएं, तो मैं उन्हें यही कहता हूं, देखो ये आइडियाज़ और विजन है मेरे, 9 साल जो हमने किया है वही मेरे, आप देख लें जो कुछ हमने किया था, तो आइडियाज़ तो हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए कि पहले हमें इलेक्शन में जीतना है, उसके बाद ही आइडियाज़ अपने एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हम इलेक्शन में जीत नहीं सके और हमने अपनी गवर्नमेंट अगर नहीं बनाई तो आइडियाज़ तो बेकार हैं, ठीक है। विजन एंड आइडियाज़ आर ओनली आफ्टर वी विन इन द नेक्स्ट इलेक्शन, सो देयरफॉर टारगेट जो है, हदफ जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन है। We must win in the next elections. Then only can we do something for Pakistan. That is the point. तो लिहाजा आपकी पूरी फोकस, हम सब की फोकस has to be on winning the next elections. And आप लोग जो है यहाँ बाहर, आप लोगों का इन्फ्लुएंस एक तो यहाँ है और दूसरा इन्फ्लुएंस आपका पाकिस्तान में, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके अहबाब तमाम जो हैं उनको आप इन्फ्लुएंस करें to join all Pakistan Muslim League and be active participants. और इसमें मेरी नज़र में एक 60% वोट बैंक जो होता है जो वोट नहीं डालते हैं आम तौर पे, आप पाकिस्तान में 40% लोग वोट डालते हैं, उस 60% को हमने टारगेट करना है। और इसमें मेरी नज़र में ख्वातीन और यूथ, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और मुझे बहुत खुशी है आज ये यंगस्टर्स बहुत आए हुए हैं, इन्हीं से You have to rise to the occasion. पाकिस्तान भर में यूथ को आगे आना है और यूथ को, क्योंकि पाकिस्तान इज़ फॉर द यूथ, इज नॉट फॉर मी एज मच एज इट इज़ फॉर द यूथ, बिकॉज फ्यूचर इज फॉर द यूथ। सबसे पहले पाकिस्तान। तो ये बातें मैंने पाकिस्तान की करनी थी आपसे।